नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को टक से लाइक कर दी, और लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, तो प्लीज लाइक कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और रात्रि अब बस से 2-3 दिन और है। माता रानी की कृपा पाने के लिए हम बहुत सारे उपाय कर रहे हैं। महाअष्टमी, अष्टमी का दिन वैसे भी माँ लक्ष्मी को समर्पित है, और महाअष्टमी के दिन विशेष प्रयोग किए जाते हैं। वैसे अभी तक हमने बहुत सारी जानकारियां दी, लेकिन अब उसी क्रम में थोड़ा सा आगे बढ़ती है। महाअष्टमी की रात, वैसे हम पूजा के लिए वीडियो लाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बात जान ले, महाअष्टमी की रात एक विशेष प्रयोग की जाती है ताकि लक्ष्मी जागृत रहे, पूरे साल धन वर्षा हो। आखिर क्या किया जाए? देखिए, महाअष्टमी की रात में वैसे तो आप घर में जब आपका सामने आप घूमने जाएंगे, माता रानी के दर्शन करके आएंगे, तब रात में जब खाना वगैरह आप घर में खाइएगा तो एक भी जूठा बर्तन मत रहने दीजिएगा। और एक बात याद रखिए, अष्टमी के दिन रूखा सूखा मत खाइएगा, अच्छा खाइए। भले ही आप फास्ट करते हैं, लेकिन बाकी के लोग जो आपके घर में खाना खाएंगे तो सादा रोटी मत बनाइएगा। यानी आप आपको बोलिएगा कि हर कोई पराठा नहीं खाना चाहता, कोई बात नहीं, आप तवे पर 1-2 बूंद घी डाल दें और फिर रोटियां बनाना शुरू करें। हर बार डालना जरूरी नहीं है, कहने का तात्पर्य तवा को आप थोड़ा सा घी में कर लिए, उसके बाद रोटियां बनाइए। इससे क्या हुआ कि आपका रूखापन का जो एक ये है वो खत्म हो जाएगा, और आप चाहे तो बाद में रोटियों में हल्का सा घी लगा सकते हैं। बिना घी का खाना मत बनाइए, थोड़ा ही सही पर डालिएगा जरूर। तो महाअष्टमी के दिन घी डालकर ही खाना बनाना चाहिए। और दूसरी बात, आप रात में एक भी जूठा बर्तन मत रहने दीजिएगा, चाहे वो पानी पिया गिलास ही क्यों ना हो। सभी बर्तन को धोइए, किचन की सफाई कीजिए और घर में कुछ सब कुछ व्यवस्थित रखिएगा। इसके बाद रात में सोने से पहले एक विशेष प्रयोग करें। आपके घर में चावल है, खीर बनाने वाला जो चावल है उसको पानी में भिगो दें आधा घंटा पहले, फिर उसको उसका थोड़ा सा पतला घोल बना लीजिए। पिसा हुआ चावल का गरा से पेस्ट नहीं, थोड़ा सा पेस्ट। अब उंगलियों की सहायता से जब रात में आपके घर में सब कुछ सो गया है, जब महिलाएं वो करेगी कुसुर भी कर सकते हैं, वैसे पूरे घर में हल्का हल्का छिटा दे, हर वस्तु में डालें हल्का हल्का, जैसे कि दाग ना लगे हल्का सपन बिंदी बनाए। ये लक्ष्मी को जगाने का उपाय होता है, आप कीजिए। यकीन मानिए, 1 साल के अंदर आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी होगी, धन का वृद्धि होगा और सोया हुआ भाग्य भी जग जाएगा। तो ये उपाय करें, जीवन में मस्ती से आप आगे बढ़ें और अपने लाइफ को बेहतर बनाते हुए देखें। याद रखिए, ये उपाय आपको जब सब कुछ सो जाए आप कीजिए। आप महिला है तो ज्यादा अच्छा है, पुरुष है तो भी कर सकते हैं, लेकिन घोल थोड़ा पतला रखिएगा, नहीं तो पूरा दाग हो जाएगा। सब जगह डालिएगा, आपके बेडरूम है, आपके किचन है, आपके डाइनिंग हॉल है, आपके बाथरूम में मत डालिएगा, लेकिन बाकी जगह आप डालिए। सीढ़ी के आसपास जितने भी एरिया है, आपके घर में ड्रॉअर है, जो भी चीज है। तो हम आपसे दोस्तों विदा लेते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।